वेलकम का। ये देखो यहाँ से गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बच्चों के बढ़िया होंगे, मज़े में। और अभी हमारी मॉर्निंग हुई और हमारी मॉर्निंग होगी, मॉर्निंग तो पहले होगी थी बट अभी टाइम हुआ है। टाइम क्या हुआ ना, अभी टाइम हुआ 10:30। और हम जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर कौन से, गलखड़, जो कसौली से पीछे है गलखड़, उसका बाबा बालकनाथ का मंदिर। तो आप लोगों को ले चलते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ यहाँ देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लो। तो अभी है हम धर्मपुर, ये देख सकते हैं धर्मपुर का बस स्टॉप है, ये आपको कालका शिमला रोड पे आएगा, बीच में एक स्टॉप कुम्हारटी से पीछे, सोलन से पीछे और परमाणु से आगे, और यहाँ से आपको कसौली के लिए बसें मिल सकती है ना, अगर आपने कसौली जाना हो तो। चलो ठीक है, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। यार पता क्या हुआ, एक तो स्टिक भी मेरी बैग में और कुछ ही मेरे गोद में। गलखड़ जाने के लिए आप लोकल बसेज ले सकते हैं धर्मपुर से, धर्मपुर एक आपको कसौली चौक से भी बस मिल जाएगी कसौली के लिए, गलखड़ के लिए। और अगर आप धर्मपुर बस स्टैंड जाओगे तो वहाँ से भी आपको बस मिल जाएगी, तो कसौली के लिए बस जाती है और मात्र सिर्फ 25 या 30 रुपये किराया लगेगा। वैसे तो 25 रुपये किराया लगता है, तो 20 रुपये का 20 रुपये वहाँ तक लेंगे आप गलखड़ के लिए, और 25 रुपये आपका कसौली के लिए लेंगे। कई कंडक्टर ड्राइवर ऐसे होते हैं कि 30-30 रुपये ले लेते हैं, आपको पता है थोड़ा अलग अलग है सबका अपना अपना हिसाब। तो और यहाँ है ये आपका, अगर आपको पता ना लगे तो यहाँ पे मैक्सिमा घड़ी फैक्ट्री है, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आप अच्छे रास्ते से जा रहे हो। और अभी देखो खुशी मेरे पास बैठी थी आराम से, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, भीड़ इतनी होती है कि पता है आजकल है गर्मी का मौसम और सारे टूरिस्ट कसौली के लिए आते हैं, क्योंकि कसौली सबसे नज़दीक पड़ता है आपका, चंडीगढ़ से भी बहुत नज़दीक है और शिमला से भी बहुत नज़दीक है और कालका परमाणु से तो बहुत ही नज़दीक है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे आपको ये लगेगा, क्या बोलते हैं इसको, शिवालिक होटल, शिवालिक होटल आपको पता लग जाएगा। फिर शिवालिक होटल जब लगेगा तो भी हम सही रास्ते से, क्योंकि इस रोड में आपको बहुत से होटल लगेंगे और बहुत होटल हैं यहाँ पर, क्योंकि होटल इसलिए है ना कि ताकि हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए अच्छी सुविधा मिल सके, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कसौली छोटा सा हिल स्टेशन है, 5,000 की आबादी हो गई है, बहुत लंबा तो कसौली इतना बड़ा तो है नहीं। और कसौली को तो मैंने पीछे उतार दिया बहुत ज़्यादा, और मैंने कुछ थोड़ा सामान लेना था, मई जून पहले सामान ले लूँगा और फिर मैं यहाँ से शॉर्टकट निकलूँगा ऊपर को, उनको पहले शॉर्टकट भेज दिया, मैं भी शॉर्टकट से निकल जाऊँगा ऊपर को। लंबा जाम लगा, जाम पता कैसे लगता है ये, क्योंकि अब सीज़न टाइम है ना यहाँ पे, कसौली का सीज़न टाइम होता है ये मार्च अप्रैल मई और जून का महीना, तो बहुत संडे और सैटरडे को तो बहुत तगड़ा जाम लगता है यहाँ पे यार सच में। तो आप एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो जब भी आप यहाँ आते हो, ये गलखड़ का बस स्टॉप रोड गया जो मंदिर के को गया सीधा, और यहाँ से शॉर्टकट भी है आप धर्मपुर को ना, यहाँ से शॉर्टकट निकल सकते हैं, आपको 7 से 8 किलोमीटर पड़ेगा ये सिर्फ यहाँ से ना, और सीधा ही और आप धर्मपुर निकल जाओगे। सुक्की जोड़ी नाम है ना एक जगह का, वहाँ निकलोगे आप, ये देखो यहाँ से ये मंदिर को चला गया ऊपर सीधा। ये है मंदिर का गेट, यहाँ से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं आप, जो आपने लेना हो ना प्रसाद, शायद वो तो गई तोरी तो ऊपर ही चले गए, अब देखता हूँ उनको कहाँ चले गए। ये देखो मंदिर का गेट है, ये हम जा रहे हैं बाबा बालकनाथ की मंदिर, जो कि है गलखड़े में स्थित और कसौली से थोड़ा ही पीछे है, कसौली में पड़ता है। तो बाबा जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, हम ऐसी दुआ करना और आप लोग ऐसी दुआ करना हमारी मनोकामना जल्दी से पूरी हो जाए, तो दोनों की हो जाएगी तो ठीक है। और यहाँ पे बहुत धूप है अभी, तो अगर आप धूप से एलर्जी है तो आप छतरी लेके आ सकते हैं, यहाँ पे खोलेंगे शायद, यहाँ पे खोल ऊपर खोलते हैं, यहाँ भी है गीतू जूता घर, तो यहाँ खोल लेते हैं आराम से ना,
चाहे परे रख लो चाहे यहाँ खोल लो। तो गाइस ये है मंदिर कलखड़ का बस। और अब हम जा रहे हैं वापस। और अभी टाइम हुआ है पता है आपको टाइम क्या हुआ, मैं अभी बताता हूँ आपको क्या टाइम हुआ। रुको एक मिनट, पहले आप देखो बाहर का नज़ारा देखो यहाँ से भी। गाइस अभी टाइम हुआ है 5 बज गए हैं और आपको पता कि हम सुबह कब आ गए थे। हम सुबह कितने बजे आए थे टाइम नहीं पता, कितने बजे आए थे हम 11:30 बजे पहुंचे थे और अभी टाइम 5 बज गए। तो देख लो अभी अब जाके हमारा नंबर आया यहाँ पे। मैं तो 10 बजे लगी थी यहाँ पे, मम्मी सबसे पहले लग गए थे। आ जाओ चले अब हम जा रहे हैं वापस। खुशी को मैं उठा लेता, चल मैं उठा लेता हूँ खुशी को, ठीक है। आप लोग व्लॉग में बने रहना। तो मंदिर को आपको पता कि वहाँ पे अलाउड नहीं होता ऊपर वीडियो बनाना, तो मैंने बनाई नहीं। मंदिर में अच्छे दर्शन हो गए और आप लोग जब भी आओ ना यहाँ पे तो ज़रूर जाना यहाँ पे, और साथ में ये रोड के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और देखो हम सब अपना ड्रेस देख रहे भी, हम आज कैसे कैसे लगे तो कमेंट करें ज़रूर बताना कि हम लोग कैसे लग रहे। देखो हाँ देखो आपकी मनोकामना भी भगवान जी पूरी करेंगे, हम दुआ करेंगे हमारी सारी मनोकामना पूरी हो ये आप लोग दुआ करना, ठीक है। द्वार ये मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार है यहाँ, ये मेन गेट है यहाँ का ना गलखड़ का। ये देखो यहाँ से अब हम चलेंगे वापस यहाँ से। बोल रहा था मैं क्या जल्दी जल्दी आ रही उधर, पर ये आते नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको, क्या परेशानी है, ऐसी क्या दिक्कत है। और खुशी भानु को पाते थी इसने, बहुत चलाक लड़की है ये, बहुत गिर गई थी बंदर भी कहाँ, तो बंदर से सावधान रहे अच्छे से रहे। हमारी फोटो भानु उधर हो खुशी को लेके ऊपर बंदर है, पर नहीं बेचारा ये नहीं बोलेगा कुछ नहीं, ये नहीं बोलेगा कुछ नहीं, साइड को तुम ये नहीं। और यहाँ पे देखो एक बहुत ही ज्यादा पत्थर है यहाँ पे, आराम से चलिएगा आराम से चलिएगा। और अब हमारे को बस पता नहीं कौन सी मिलेगी यार, कितने बजे अब आपको पता है भी यहाँ से बस मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है सच में। कहाँ से हाँ पार से बस दिख रही है हमारे को, यहाँ से आपको दिख जाएगी भी पार से बस, यहाँ देखो पार आपको दिख रही है, वहाँ से बस आ रही है, वहाँ से भानु ने बोला कि बस आ रही है। और जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, और ये देखो भाग भागते हुए जल्दी आ रहे, जल्दी आ रहे, जल्दी भागते भागते आ रहे सर। और यहाँ पहुँचाना हमने अभी नीचे, सस्ते टूरिस्ट को चक दिया था इन्होंने अभी, और सस्ते टूरिस्ट को ना चक दिया था गाड़ी वालों ने यार। आपको देखिए इस टाइम कितनी ज़्यादा भीड़ है भानु, उससे पूरी रीतन थी गई बस पूरी किसी जाओ बस जी शक्ति घाट से नाल अगड़े वाली थी उसको, यहाँ पे स्टॉप है बस स्टॉप ना, पर अभी आए नहीं अभी ऊपर से पता नहीं कहाँ ना आगे 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 नहीं, मैं नाल अगड़े वाली ना हो गई कोई बात नहीं मिल जाएगी ना। गाइस अभी हम बस का वेट कर रहे हैं और अभी है हम धर्मपुर में, धर्मपुर बस स्टैंड में, और हमारे को बस ही नहीं मिली कोई नहीं बस क्यों नहीं मिली इन दोनों को, वैसे नहीं मिली हमारे को बस बस मुके पास से गई, आप बैठे नहीं बस में नहीं इन्होंने रोक की नहीं बस, अभी भानु ने तो बोला था भानु सीट थी, हाँ भानु ने बोला सीट थी, इन्होंने बोला सीट थी, मैंने बोला भी सीट थी पर कोई नहीं गया। गाइस हम पहुंच गए हैं सोलन और आप देख सकते हैं सोलन का मॉल रोड और खुशी मेरे पास है, भानु और गीत गए दोनों शॉपिंग करने क्योंकि आज है संडे, संडे मार्केट लगती है सोलन में बहुत अच्छी। आप देख ही सकते मेरे पीछे देखो कितनी भीड़ है ना, भीड़ बहुत, भारत तो आ गया और गीत भी परे से आ गई। खुशी हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो पापा। तो गाइस अभी रात के 9 बजे हैं और हमारा डिनर आज हो गया, आज जल्दी हो गया हमारा डिनर। आपने देखा कि आज गए थे हम गलखड़, गलखड़ आपका पड़ता है कसौली में और सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये गलखड़, गलखड़ में बाबा बालकनाथ का मंदिर है, वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुकून मिलता है दिल को, बहुत शांति मिलती है। तो अभी मैं वीडियो एडिट करूँगा और तभी आपको सुबह व्लॉग देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, आपको पता है यार आजकल गर्मी है और गर्मी में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको पता है ना बच्चे के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं ना, बट फिर भी यार थोड़ा सा ना आपको पता ही आप समझते हो यार। तो ठीक है फिर, अगर खाना बनेगा तब भी कुछ नहीं, नहीं बनेगा तो बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, जिनको मैंने बोला था ना उनको पता लग गया। ठीक है ओके और बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।
here waiting for you with the